अगला भाग है मॉड्यूल भुगतान। उपयोगकर्ता को मॉड्यूल भुगतान आइकन पर क्लिक करना होगा या तार वॉचर के अंदर पेज के बाएं कोने में FAS के अंदर मॉड्यूल भुगतान पर क्लिक करना होगा। यह स्क्रीन उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत सदस्यों के शेयर्स, जमाओं और ऋणों के मॉड्यूल भुगतान में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है, जो मॉड्यूल स्क्रीन की प्रतिकृति है। ग्राहक सूचना में उपयोगकर्ता को प्रवेश संख्या दर्ज करना होगा, सदस्य नाम, गांव, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम, फोटो और हस्ताक्षर के साथ अगर उपलब्ध हो तो प्रदर्शित हो जाते हैं। उत्पाद विवरण में लेन देन की तारीख वास्तविक लेन देन की तारीख सिस्टम लॉगिन के तारीख के समान होगी। उत्पाद का चयन करें। खाता क्रमांक जमा क्रमांक होगी जमा के लिए, ऋण संख्या ऋण के लिए है। क्रिया के प्रकार डिफॉल्ट रूप से निकासी के लिए जमा है और ऋण के लिए ऋण संवितरण है। उपयोगकर्ता को वाउचर टाइप का चयन करना होगा, नकद या स्थानांतरण। उपयोगकर्ता को विषय क्षेत्र में भुगतान राशि दर्ज करना होगा। दर्ज किए रकम के आधार पर वर्णन स्वचालित रूप से प्रदर्शित हो जाते हैं। उपयोगकर्ता को लेनदेन को निष्पादन करने के लिए सहेजे बटन पर क्लिक करना होगा। यदि उपयोगकर्ता को विवरण मिटाना है तो मिटाना बटन पर क्लिक करना होगा। सभी स्टार चिन्हित फील्ड में विवरण दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। याद रहे, इस स्क्रीन में सभी मॉड्यूल के विवरण प्रदर्शित हो सकते हैं। यदि उपयोगकर्ता उत्पाद को दीर्घकालिक ऋण के रूप में चुनता है तो लेन देन का विवरण, खाता देखे और संपादित राशि जैसे विवरण दिखाई देती है। किसी विवरण पर क्लिक करने पर उस विशेष खाते में प्रवेश कर सकते हैं। उपयोगकर्ता सोसाइटी वाउचर नंबर क्षेत्र में वाउचर संख्या के जो जमा समाज अनुसारण करता है वही संख्या दर्ज करना है। रोल रिकॉर्ड।